इतना महंगा वॉशिंग मशीन लेने के बाद भी अगर कपड़े नहीं साफ हो रहे हैं तो क्या फायदा है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का। अक्सर ये सवाल सब लोगों के दिमाग में आता है, तो इसी सवाल को लेते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अक्सर हम अपने आम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं, और जल्दबाजी में टाइम की कमी के कारण हम बस जैसे तैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के मशीन ऑन कर देते हैं और कपड़े धोने स्टार्ट कर देते हैं। बाद में कपड़े धीरे धीरे खराब भी होने लगते हैं, कलर फेड होने लगते हैं और कपड़े तो साफ धुलते ही नहीं हैं। तो आज मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया है कि हम जल्दबाजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बातें भूल के बस ऐसी मशीन चला देते हैं जिससे कि कपड़े साफ नहीं हो पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आपको किन किन बातों का ध्यान देते हुए वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आपके घर में फ्रंट लोड है या फिर टॉप लोड है या फिर कोई भी नॉर्मल मशीन भी है, लेकिन जो मैं मेथड बताने वाली ये सारे वॉशिंग मशीन्स पे अप्लाई होता है। तो प्लीज ध्यान से ये वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरे ट्रिक्स को अपनाते हैं तो आपके कपड़े बहुत अच्छे धुलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली गलती कि जितना भी हमारे लॉन्ड्री बैग में कपड़े रहते हैं हम सारा उठा के ऐसी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आप कैटेगरी अलग अलग, जैसे ये शर्ट है तो इसमें अलग रख रही हूँ, ये पैंट है तो इसको अलग रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, शर्ट्स का मैं कॉलर दिखा दे रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कॉलर आपका कैसे साफ हो जाता है, आप देख रहे हैं कितना गंदा है। थोड़ा क्लोज करके भी दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितना गंदा कॉलर है। तो मैं आपको इसी के अंदर ये क्लीन करके दिखाऊंगी। ये एक और शर्ट है, इसका भी कॉलर देखिए, ये तो इसका तो कॉलर और भी ज्यादा गंदा है, आप देख सकते हैं। ये सब मैं क्लीन करके आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए शर्ट्स को मैं अलग रखी हूँ, टी शर्ट है ये शर्ट्स वाले में डाल रही हूँ। तो यही अक्सर ये हैंकी है, सॉफ्ट है तो ये शर्ट्स में जा सकता है। तो यही हम गलती करते हैं कि ये टॉवल है तो ये पैंट वाले में डाल रही हूँ क्योंकि टॉवल थोड़ा हार्ड होता है, ये टी शर्ट है तो इसमें डाल रही हूँ। तो ऐसे करके आप अलग अलग पहले कपड़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर ले, इससे कपड़े बहुत अच्छे साफ होते हैं। हाँ, लेकिन दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि कपड़े अगर बहुत ज्यादा है तो आप अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करें फैब्रिक के अकॉर्डिंग। जैसे ये सूट है कॉटन का तो ये मैंने शर्ट वाले में डाल दिया है, तो ऐसे अलग कर ले। लेकिन कम कपड़े हैं तब आप सारे कपड़ों को इकट्ठे डाल के आप धो सकते हैं। सॉरी, ये कॉटन है मैं इधर रख रही हूँ। ये जीन्स का पैंट है ये यहाँ जाएगा, और ये लोअर है ये भी इधर जाएगा, ये भी लोअर है ये इधर जाएगा। तो ऐसे करके आप प्लीज अलग कर ले अगर कपड़े बहुत ज्यादा है तो। कम है तो आप थोड़ा बहुत इकट्ठे धो सकते हैं। ये सॉक्स है, सॉक्स एंड अंडरगार्मेंट्स के लिए मैं यही कहूंगी कि आप इसमें मिक्स करके ना धोएं क्योंकि थोड़ा हाइजीन वाली भी बात होती है। अगर आपको हाइजीन और ये सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तब आप डाल के धो सकते हैं, लेकिन हाँ, हैंकी और सॉक्स को इकट्ठे डाल के धोना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं बोलूंगी कि आप ये जो सॉक्स है और इसको आप अपने हाथों से ही धोए तो ज्यादा बेटर है। बेडशीट्स हैं, ये देखिए ये सिंगल सिंगल दो बेडशीट है, पिल्लो कवर है और ये एक और ही कुर्ती है। तो देखिए यहां मैंने तीन कैटेगरी डिवाइड की है, कॉटन्स का, सॉफ्ट कपड़ों का अलग, हार्ड कपड़ों का अलग, जो यहाँ पैंट है, यहाँ पे बेडशीट्स का अलग। तो बेडशीट्स मैं बाद में धोऊंगी क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले तीनों को अलग अलग वॉश करके धोऊंगी। हाँ, जैसे ये मेरे यहाँ पे कॉटन सॉफ्ट ज्यादा है तो मैं इसको एक वॉश में लूंगी, हार्ड है यहाँ पे तो ये थोड़े कम है, और बेडशीट है तो बेडशीट भी थोड़ा सा हम हार्ड में ले सकते हैं, तो इन दोनों को मिक्स करके मैं धोऊंगी। तो इस बात का आप सबसे पहले ध्यान देना है। तो चलिए पहले आज मैं आपको सॉफ्ट वाला धो के दिखा रही हूँ, दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ये दोनों धो के दिखाऊंगी। तो आप दोनों वीडियोस को ध्यान देना है क्योंकि दोनों के वॉशेज अलग अलग तरीके से अलग मेथड से होंगे, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है। तो चलिए ये दोनों मैं रख देती हूँ इसी में, और पहले मैं वही आपको धो के दिखाती हूँ। तो ओपन करके कपड़ों को, एक एक कपड़ों को ऐसे हल्के हाथों से डालना, ये नहीं कि ऐसे उठा के पूरा डाल दिया, उससे कपड़ों में लाइनिंग बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक एक कपड़ों को ऐसे करके डालें। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ मैं कितने कपड़े डाल रही हूँ। मैंने तीन कपड़े डाले हैं, चार, पांच, छ, सात, एक शर्ट है, आठ, नौ, दस, ग्यारह,
दो शॉट है ये 11 और 12, ये दो हैंकीज है जिसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो आप देखिए तो ड्रम अभी बहुत खाली है, ये मेरा 8 kg की कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन है और ड्रम अभी बहुत ज्यादा खाली है, ये देख रहे हैं आप आधा से भी नीचे है। तो मैं इसमें और भी कपड़े डाल सकती हूँ। अब इसमें मैं और क्या कपड़े डालूं तो मैं दिखाती हूँ। लॉन्ड्री बैग यहाँ पे, ये पैंट जो है ये कॉटन का है, ठीक है, तो ये मैं इसमें डाल के धो सकती हूँ। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 13, ये एक और कॉटन का पैंट है हल्के में है तो ये भी इसमें डाल देती हूँ 14, ये टॉवेल है ये भी हल्का है थोड़ा सा तो ये भी इसमें डाल देती हूँ 15, हाफ निक्कर है ये 16, ये एक और पैंट है कॉटन का, ये सॉफ्ट वाला ही पैंट है 17। अब देखिए ड्रम आधे से थोड़ा सा ऊपर हुआ है 17, इसमें और देख लेते हैं क्या मैं डाल सकती हूँ। तो ये एक लोअर है, लेडीज लोअर है तो ये भी सॉफ्ट में कपड़ों में आता है तो ये 18, ये जीन्स मैं नहीं डाल रही हूँ, इसमें और मैं चेक कर लेती हूँ, ये एक और लोअर है ये भी डाल सकती हूँ 19, और एक ये पिल्लो कवर है 20। तो यहाँ पे मैंने 20 क्वांटिटी में कपड़े डाले हैं और ड्रम का मतलब 75-80% यहाँ पे मैंने कपड़े डाले हैं। मतलब कपड़े कितने डालने चाहिए तो जो आपका ड्रम का साइज है उससे इतना कपड़े डालें, थोड़ी सी गैप होनी चाहिए क्योंकि कपड़े घूमते हैं अच्छे से और पानी के लिए भी जगह चाहिए तो अच्छे से कपड़े इसमें मूव कर सके, इसलिए कपड़ों को पूरा ठूस के या भर के नहीं डालना है, कपड़ों को थोड़ा सा खाली डालना है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, चलिए डोर को मैं बंद कर देती हूँ, कपड़े मैंने डाल दिए हैं। अब आते हैं यहाँ पे, मैं पहले दिखा देती हूँ कि ये कपड़े थोड़े मिक्स हैं, कॉटन और हल्का सा कॉटन मिक्स कपड़े हैं तो मैं यहाँ पे कॉटन सेक्शन ले रही हूँ। कॉटन सेक्शन में देख लेते हैं कपड़े कितने केजी के हुए हैं, तो यहाँ पे अभी ये दिखाएगा 5 kg यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे डोर ओपन करेंगे ना और कपड़े जब आप डालेंगे तो यहाँ पे केजी मेंशन करता है, तो यहाँ पे 5 kg दिखा रहा है। तो 5 kg मतलब कि 8 kg की कैपेसिटी है, 5 kg के अराउंड मैंने कपड़े डाले हैं ड्राई में। अब आते हैं यहाँ पे डिटर्जेंट पे। अब यहाँ पे कपड़े अगर अच्छे से नहीं धुलते हैं तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए यहाँ पे 5 kg के अराउंड कपड़े हैं तो मैं यहाँ पे 5-6 tablespoons यहाँ पे डिटर्जेंट में डालूंगी। तो 5-6 kg tablespoon डिटर्जेंट कितना होता है तो मुझे आइडिया है क्योंकि मैं कपड़े धोती रहती हूँ, अगर आपको नहीं है तो आप मेजर करके डालें। तो यहाँ पे मैंने डाला है और थोड़ा सा हम इधर भी डालेंगे, ये होता है फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये होता है सेकंड होता है, तो सेकंड वाला मेन होता है। तो इसमें मैंने रेगुलर जो मैं डालती हूँ उतना डाला है और मैंने 2 चम्मच यहाँ पे भी डाला है फर्स्ट कंपार्टमेंट पे। यहाँ पे डालने का रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में पानी इधर से जाता है सारे कपड़ों को धोता है और जब आधे से ज़्यादा कपड़ा वॉश हो जाता है तब यहाँ से पानी लेता है, तो इधर से फिर से डिटर्जेंट जाके कपड़े धुलेंगे तो बहुत अच्छे से साफ होते हैं। तो दोनों तरफ आपको डिटर्जेंट डालना है, इधर वाले में ज़्यादा डालना है, इधर वाले में बहुत ही थोड़ा सा डालना है। तो ये डाल के बंद कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर 40 ऑटोमेटिक जो लिया हुआ है मशीन ने वही लूंगी मैं, 1 घंटे का समय ले रहा है। थोड़ा सा वाटर प्लस करूंगी मैं कि ज्यादा पानी में कपड़े धुले, तो देखिए यहाँ पे टाइम भी इंक्रीज हो गया है। और यहाँ पे प्री वॉश मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बरसाती वाले मिट्टी वाले कपड़े नहीं है, तो बस अब मुझे यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगी। स्टार्ट करने पे डोर लॉक का साइन आ जाता है और पानी यहाँ पे लेना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे 1.25 घंटे के अराउंड यहाँ पे कपड़े धुलेंगे। तो इतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, छोटा छोटा वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अभी रिंस कितना, फर्स्ट पहली बार रिंस हो रहा है, फिर दूसरी बार हो रहा है, कितनी स्पिन कितनी बार हो रहा है, वॉश कितनी देर तक हो रहा है, ये सब टाइटल में आपको इस वीडियो में आगे आगे मिल जाएगा। तो ये मेन पर्पज था, जब कपड़े धुल जाएंगे तो मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी कपड़े कितने अच्छे साफ होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं रिंस और अभी टाइम है 40 मिनट्स रिमेनिंग। आप देख सकते हैं कपड़े रिंस हो रहे हैं, पानी में धुल रहे हैं ये। तो ये एक बार रिंस हो चुका है, ये सेकंड टाइम रिंस हो रहा है। यहाँ पे टैप का साइन दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे
तो कई लोगों ने कहा था कि ये टैब का साइन दिखाई देता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है क्या और इसका क्या मतलब है, तो इस पे मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये टैब का साइन क्यों आता है और क्या रीजन होते हैं और क्या करना चाहिए। तो यहाँ टैब का साइन का वीडियो मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे वॉश कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ वॉश कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कपड़े कितने ड्राई हैं, कितने अच्छे से धुल गए हैं। ये देखिए ये टी शर्ट्स हैं। मैं आपको शर्ट का मेन दिखाती हूँ, कॉलर अपने सारे कपड़ों में मैंने डाल के धोया है, तो भी अब ये सब रेशे हैं, गंदगी नहीं है, आप देख सकते हैं कॉलर कितना अच्छा साफ हो गया है। एक और शर्ट था उसका भी कॉलर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस कुछ बातों का आपको ध्यान देते हुए कपड़े धोने हैं और बहुत अच्छे से कपड़े साफ हो जाते हैं। इसी तरीके से आप कपड़े धोइए, बहुत अच्छे से कपड़े साफ होंगे, कपड़े ड्राई भी बहुत अच्छे हुए हैं। मैं आपको ऐसे देखिए उछाल के दिखाती हूँ, कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं है, हाथ में पानी तक नहीं लग रहा है। तो बस मैं 10 से 15 मिनट का धूप भी दिखाऊंगी, चाहे हवा में आधे घंटे रख दूंगी तो ये कपड़े सूख जाएंगे। देखिए एक शर्ट एक और है, इसका भी कॉलर दिखाती हूँ। देखिए तो इसी तरीके से धोइए फ्रेंड्स, कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे, बिल्कुल भी गंदे नहीं रहेंगे। यह है इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देते हुए वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और भी कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको कविता गुप्ता कुकिंग टिप्स नाम से मिल जाऊंगी, वहां पे आप मुझे फॉलो करके वहां से भी आप मुझे डायरेक्ट कॉमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मेरा व्लॉग चैनल है कविता लाइफस्टाइल व्लॉग्स, तो उसे भी प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे से जुड़े। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है या फिर कोई और भी वॉशिंग मशीन है तो आप मेरे से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज बनाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं फिर एक और प्रॉब्लम को लेके अपने वॉशिंग मशीन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।